बहुत खतरनाक जर्नी थी। अदनान के जाने के बाद आपको काफी गिल्ट भी फील हुआ? अदनान के साथ बैठता हूँ, उनके साथ नहीं बैठता, मकबूल, शिवानी और कटारिया के साथ, तो वो उनके लिए अनफेयर हो जाता, बिकॉज एक महीने से मैं उनके साथ 24 घंटे उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। मैं ऐसा दोस्त हूँ, अगर मैं तुमको दोस्त मान लिया तो मैं ऐसे बाय फैला लेता हूँ, सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, तू ले ले सारी चीजें भाई, मैं ठीक हूँ। नमस्कार, मैं मोनिका मिश्रा, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हमारे साथ है विशाल पांडे। हेलो विशाल, जिस तरीके की आपकी जर्नी थी, काफी अप्स एंड डाउन्स आया, काफी बार हमने आपको जो है घर के अंदर टूटते हुए देखा जी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे कि कैसी रही, क्या कुछ सीखे हो आप आपकी जर्नी से? बहुत खतरनाक जर्नी थी। मेंटली मैं अभी भी एकदम ऐसा स्टेबल नहीं हो पाया हूँ बाहर निकल के, थोड़ा टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में मेरे को बाहर, बट क्या सिखाया है, पेशेंस सिखाया, बिकॉज आफ्टर वन इंसिडेंट मैं सिर्फ पेशेंट था, सिर्फ अपने आप को मैं पेशेंस के साथ रख रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरे माइंड में, बट मैं रखा अपने आप को। सो एक चीज़ जो मुझे शो ने सिखाई है वो है पेशेंस और एक फैमिली की बहुत ज़्यादा वैल्यू। एग्जैक्टली, आपके लिए क्या होता है, एक वैसा दोस्त होता है कि जो अगर अपना दोस्त गलत भी है सही भी है लेकिन दोस्त दोस्त का साथ दे, और एक वो दोस्त होता है जहाँ पर अगर दोस्त सही है तो ही साथ दो, तो आपके लिए दोनों में से व्हाट यू विल चूज? मैं तो फर्स्ट वाला हूँ कि बट ऐसा नहीं मेरे दोस्त को गलत चीज़ पे नहीं टोकता, बट मैं उसको सबके सामने नहीं टोकता। मेरी पर्सनैलिटी है, मैं उसको अलग से लेके जाके उसको अकेले में बोलूँगा तू गलत था, बट जब जहाँ बात आएगी 20 लोग के सामने तो मैं उसका साथ दूंगा वहाँ पे, बट हर कोई ऐसा नहीं होता, बट इट्स ओके। अदनान भी आए थे आपको यही बताने के लिए कि थोड़ा सा जो है आप इतना जो फ्रेंड समझ रहे हो उतना मत समझो, आप भी थोड़ा दिमाग से खेलो, लेकिन शायद आपको समझ नहीं पाया। अदनान के जाने के बाद आपको काफ़ी गिल्ट भी फील हुआ? या सो क्या कहना है आपको कि समझाने के बावजूद अगर आपने उस टाइम समझ लिया होता तो शायद आज आप घर के अंदर रहते? नहीं यार, मैं इसमें नहीं मानता। मैं अभी भी, अब लोग कुछ भी बोले बट अभी भी मुझे लगेगा कि मैंने अपनी दोस्ती निभाई है, एंड आई कंसिडर हिम एज माई वेरी गुड फ्रेंड, भाई बोलता हूँ मैं उसको। सो मैं जैसे बोला, एक गलती पे मैं 10 अच्छी चीज़ें नहीं भूल सकता, आई एम लाइक दैट। और अदनान के आने पे भी आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अदनान के साथ भी बैठूँ, बट उनके साथ, अगर मैं अदनान के साथ बैठता हूँ उनके साथ नहीं बैठता, मकबूल, शिवानी और कटारिया के साथ, तो वो उनके लिए अनफेयर हो जाता, बिकॉज एक महीने से मैं उनके साथ 24 घंटे उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। सो मेरी सिचुएशंस कुछ अलग ही थी घर में, मतलब मुझे हमेशा चॉइसेस मिल रहे थे, मेरे साथ कुछ अलग ही चल रहा था, बट जर्नी थी यार, एक बहुत खतरनाक जर्नी थी। लव की अगर बात करो तो आपकी तरफ से तो हमने देखा जेन्युइनली कितनी जो है दोस्ती थी, लेकिन लव ने जो है हर बार जहाँ जहाँ पर टॉपिक नहीं निकालना चाहिए था वहीं वहीं पे उन्होंने निकाल के खुद का मुद्दा या खुद का पॉइंट काफ़ी स्ट्रांग बनाया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? वो चाहता था तो ये मैटर कब का ख़त्म हो जाता, इतना हाईलाइट भी नहीं होता। हाँ ऑफकोर्स, और उसको मैंने बोला भी था कि 20 कैमरे हैं जहाँ पे, या फिर तू सोच तो सही, बट ठीक है, ही फेल्ट समथिंग एंड ही डिड वॉट ही थॉट वॉज राइट, विच मुझे नहीं लगा था जो सही है, मतलब हम उसको दूसरी तरीके से भी टैकल कर सकते थे, बट ठीक है। आई एम लाइक दैट, मैं पागल हूँ, मैं मतलब उसको भी, मैं जब मेरे को ये चीज़ बोला गया था कि यू नीड कन्फर्मेशन इन योर फ्रेंडशिप, तो मैं बाहर जाके कटारिया को यही बोल रहा था कि येस आई नीड कन्फर्मेशन इन माई फ्रेंडशिप, बिकॉज मैं ऐसा दोस्त हूँ, अगर मैं तुमको दोस्त मान लिया तो मैं ऐसे बाय फैला लेता हूँ, सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, तू ले ले सारी चीज़ें भाई, मैं ठीक हूँ। तो हाँ, मुझे कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट लाइक आई टोल्ड यू, एक दो इंसिडेंट्स पर मैं अपनी बाकी की 10 चीज़ें नहीं भूल सकता। अगर लव और सना में से एक को चूज करना हो एज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, किसको आप चूज करोगे? राइट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मिस हर एक चीज आई कांट चूज, लाइक आई कांट चूज, ही इज माय भाई एंड शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई कांट चूज। ओके, घर में सबसे ज्यादा हर्ट आप कब हुए थे, जब अरमान ने आपको थप्पड़ मारा था और वो घर से बेघर नहीं हुए उस वक्त, या जब लव ने आपका जो है सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने सबके सामने आपके ऊपर इल्जाम लगा के बोला नहीं ये गलत वे में था, उस वक्त कौन सा आपको ज्यादा हर्ट हुआ? ये दोनों भी नहीं, जब मेरे कैरेक्टर पे बात आ रही थी तब मुझे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ था, जब बोला जा रहा था कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए हैं, इसकी नीयत नहीं साफ है, चंद्रिका जी ने तो बोला था मेरे आंखों में आशिकी है, तो ये मेरे लिए सबसे टफ टाइम था, जहाँ पे मैं ऐसा लग रहा था कि ऐसा फट रहा हूँ मैं अंदर से, कुछ हो रहा है मेरे को, बट मैं बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ, और बयां करूँगा तो कोई सुनेगा भी नहीं मेरी,
बट एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन वीकेंड के बाद पे माय मॉम इन दैट केम. हाउ इमोशनल वाज दैट मोमेंट फॉर यू व्हेन यू सॉ योर लाइक पेरेंट्स? एक तो आप इतने टाइम बाद अपने माँ-बाप को मिल रहे हो, ऊपर से एक ऐसे इंसिडेंट्स के बाद मिल रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी. और जब आप और अपने आपको जब माँ-बाप से वैलिडेशन मिल गया, नथिंग मैटर्स उसके बाद. डू यू थिंक कि अगर आप रणवीर के ग्रुप में होते तो शायद अब तक आप घर के अंदर बने रहते? बट मुझे ऐसे घर में बनना ही नहीं था किसी के ग्रुप का पार्ट हो क्या कुछ करके. मैंने जितने बॉन्ड्स बनाए बहुत जेन्युइन बनाए, और डे वन से जिसके साथ था मैं मेरे आखिरी दिन तक उसके साथ था. मलाल है ऑफ कोर्स कि इतना करीब आके मैं गया हूँ, और मैं कुछ मेरे को ऐसा लगता था मैं बहुत दिल से खेल रहा हूँ, मेरे हाई एक्सपेक्टेशंस थे मुझसे मेरे खुद से. बट ठीक है, एटलीस्ट ये तो मुझे पता चला कि एटलीस्ट लोगों का दिल तो थोड़ा बहुत जीता हूँ मैंने. राइट. एंड जिस तरीके से अगर डिसरेस्पेक्ट की बात करो, आपने काफ़ी कुछ जो है अरमान को तो खैर कहा लेकिन रणवीर जी को भी कहा जी. व्हाट अबाउट दैट? बिकॉज एज में इतने बड़े थे लेकिन आपने एज नहीं देखा, आपने काफ़ी कुछ उनको गुस्से में कहा. नहीं, आई थिंक गुस्से में भी मैंने रणवीर जी के साथ कभी मैंने बदतमीजी नहीं करी. मैं वॉइस रेस होता था बट कभी उनको मैंने अपशब्द चीज़ें नहीं कही है. और कई उनके पीठ पीछे भी मैंने हमेशा उनकी तारीफ करी है. आई लाइक दैट गाय. मुझे मैं हमेशा बोलता था कि एटलीस्ट मेरे को उनका वो अच्छा लगता है जो है मुँह पे तो है. बट हाँ, मैंने कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं करी. जी हमारी हमारी मसले हुए हैं काफ़ी, और बट आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर हिम. ऑलराइट. एंड इसके अलावा अगर कोई एक चीज़ अगर आपको जो है कट करनी पड़ेगी फ्रॉम दिस मेमोरी योर जर्नी, कौन सा पार्ट आप एविक्ट करना या कट करना चाहोगे? पूरा एक हफ्ता. पूरा एक हफ्ता. या कितना विशाल ये खुद पे टोल हो जाता है या डिप्रेशन से खुद बाहर निकलना के लिए कितना मुश्किल हो जाता है जब ऐसे सब इल्ज़ाम घर के अंदर लगते हैं खुद के ऊपर? मुश्किल था बट मुझे ये मालूम था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. मैं अपने दिमाग को बार बार वही समझाता था, विशाल तू बहुत स्ट्रांग है, तू कैसा आया था घर में, जब तू आया था तू कैसा आया था, था स्ट्रांगली ओपिनिएटेड, हर एक चीज़ में तेरा ओपिनियन था, तू इतने जल्दी वीक नहीं पड़ सकता. तो मैं कंटिन्यूसली वही अपने दिमाग को अकेले बैठ के सोचता था और अपने दिमाग को समझाता था. वो चीज़ मेहनत लगी बट मैंने कर लिया मैनेज. कल का आपने वीकेंड का वार देखा जहाँ पे प्रेस गई थी घर के अंदर, खतरनाक. सबसे बेस्ट कौन सा सवाल लगा आपको कल का? एक ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा जब सात दिन में आपकी अपने बेस्ट फ्रेंड से आपके पति ने आपको प्रपोज कर लिया और तब आपको अनसेफ नहीं फील हुआ. एक लड़के ने जब आपको सुंदर बोल दिया तो आपको अनसेफ फील हो गया. बहुत सारे, इनफैक्ट हर एक क्वेश्चंस बहुत एप्ट थे सबके. डू यू मिस उस टाइम पे आपको घर के अंदर होना चाहिए था? ऑफ कोर्स. मैं देखते अगर आप होते तो क्या डिफरेंस हो जाता? अगर मैं होता ना तो मुझे एक्चुअली एक ये डिफरेंस हो जाता कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता बिकॉज मुझे समझता कि हाँ कुछ है. मतलब मैंने कुछ गलत नहीं, सही मैं कुछ नहीं कहा हूँ कि मीडिया भी थोड़ा सा मेरे बारे में बोल रही है तो. और मैं बहुत मुँह तोड़ जवाब देता. जैसे एक दो पॉइंट्स आए थे कि जहाँ पे रणवीर भाई ने भी ये बोला कि नहीं नहीं मेरा मैं करियर रिवाइव करने के लिए नहीं आया हूँ. नहीं, वो गलत है. वो उन्होंने क्लियर कट अपने मुँह से बोला हुआ है कि अगर मेरी पिक्चरें चलती तो मैं यहाँ क्यों आता. तो उसका मतलब करियर रिवाइवल ही होता है. तो मैं बहुत सारी चीज़ें पर मैं बोलता बट ठीक है, कोई बात नहीं. आपके हिसाब से टॉप थ्री कौन है? कटारिया, मकबूल, रणवीर भाई. अगर विनर की बात करो तो किसको आप देखते हो? मकबूल या कटारिया. ऑलराइट. क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो अपने फैंस एंड व्यूअर्स को? अपने फैंस और व्यूअर्स को बस इतना सा मैं बोलना चाहता हूँ गाइज, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था अंदर की क्या चल रहा है बाहर, बट बाहर आके मुझे पता चला कि आप लोग ने डट के मेरे को इतना सपोर्ट किया हो, इतना प्यार दियो कि आई एम ग्रेटफुल. और बस कुछ लव्स नहीं है. हाँ मुझे लगता है कि मैंने शायद आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर दिया होगा आगे तक, थोड़ा लास्ट में इतने करीब आके निकल के मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ, बट आप अभी तक मेरे साथ खड़े हो तो बहुत मैटर करती हो चीज़. थैंक यू सो मच विशाल, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. सेम. थैंक यू.